मैडम सुप्रभात। प्रथमतः मैं चरकाचार्य को नमन करती हूँ। चरक जयंती के अवसर पर हमारे महाविद्यालय में आयोजित चरक बोध शास्त्र टू व्यवहार नेशनल वेबिनार के चतुर्थ एवं अंतिम दिन के इस सत्र में आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। शेठ सखाराम नेमचंद जैन औषधालय ट्रस्ट के अध्यक्ष माननीय अरविंद जी दोषी सर, संस्था के समस्त सम्मानीय विश्वस्त, हमारे महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य वैद्य कुंभोजकर सर, आज के सत्र के वक्ता माननीय वैद्य अभिजीत सराफ सर, इस सत्र के मॉडरेटर माननीय प्राचार्य वैद्य संजय सातपुते सर जी, और भारत देश के विविध राज्यों में से इस वेबिनार के लिए ऑनलाइन हमारे यहाँ जुड़े हुए माननीय सभी पार्टिसिपेंट। क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ श्रोतविमानीय आज के सत्र के इस विषय के वक्ता माननीय वैद्य अभिजीत सराफ सर का परिचय मैं देने जा रही हूँ। सर जी SF आयुर्वेदिक कॉलेज नासिक, यहाँ पर प्रोफेसर पद पर कार्यरत है। सर ने BMS, MD और PhD पुणे महाराष्ट्र से कंप्लीट किया है। सर PG के गाइड भी है। सर ने साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में डिप्लोमा एवं MS किए हुए हैं। ब्राह्मी, शारदा, ओल्ड नागरी और देवनागरी स्क्रिप्ट तथा विविध कोर्सेस किए हुए हैं। अनेक संस्था के विविध पद पर सर कार्यरत है और कार्य कर रहे हैं। सर जी चरक संहिता पर अनेक व्याख्यान दिए हैं। चरक संहिता निरूपण पर 100 से ज्यादा सर के व्याख्यान हुए हैं। चरक संहिता के सर बहुत ही डीप अभ्यासक है। सर जी के अनेक रिसर्च पेपर तथा किताबें प्रकाशित हुई है। रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च जर्नल में सर के अनेक पेपर प्रेजेंट हुए हैं। नेशनल वेबिनार, इंटरनेशनल सेमिनार, चर्चा सत्र, इसमें सर ने प्रेजेंटेशन किया है। सर जी ने स्टूडेंट लाइफ से लेकर आज तक अनेक अवार्ड प्राप्त किए हैं। उदाहरण के तौर पे बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड, बेस्ट PhD थीसिस अवार्ड, PhD में गोल्ड मेडल मिला है सर को, चरक अवार्ड, धन्वंतरी अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड सर ने प्राप्त किए हैं। अगर सर जी का मैं परिचय दूं, एक छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा सर का कार्य मैंने यहाँ पे देखा है उनके बायोडाटा में। सर जी का परिचय देना हो तो मुझे तो लगता है कि एक सेशन उनके परिचय को ही जाएगा। इस हेतु से मैं थोड़ा सा शॉर्टकट करती हूँ कि क्या लूं और क्या कट करूं, ऐसा सोचते हुए मैंने सर जी का एक अल्प सा परिचय यहाँ पे बताया है। सर जी आपने हमारा बहुत से व्यस्त ऐसे अपने शेड्यूल में हमारा निमंत्रण स्वीकार करते हुए आइए यहाँ पे, मैं आपका आभार मानती हूँ तथा आपका हमारे यहाँ पे शब्द सुमनों से स्वागत करती हूँ। स्वागत है सर जी। आज के सेशन के मॉडरेटर है माननीय प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर संजय सातपुते सर। अब इनका परिचय मैं देने जा रही हूँ। सर जी आयुर्वेद महाविद्यालय सायन मुंबई के प्रभारी प्राचार्य, प्राध्यापक तथा संहिता विभाग अध्यक्ष पद पर कार्यरत है। सर जी ने आयुर्वेद संहिता में MD, रसायन वाचीकरण में PG इन डिप्लोमा किया है, संस्कृत लिटरेचर में किया है तथा संस्कृत लिटरेचर में MA किया है तथा इंग्लिश लिटरेचर में BA भी किया है। सर 1991 से UG PG विद्यार्थियों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। सर 12 साल से स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाते हैं। सर PG तथा PhD के गाइड है, बहुत सारे विद्यार्थियों को उन्होंने मार्गदर्शन किया है। 24 से ज्यादा MD स्टूडेंट को सर ने मार्गदर्शन किया है। सर अलग अलग से विद्यापीठों में परंपरागत विद्यापीठ, MHS नासिक विद्यापीठ, इसके अनेक पद पर उन्होंने कार्य किया है। उदाहरण के तौर पर मैं थोड़े से यहाँ पे बता रही हूँ। सर MHS नासिक विद्यापीठ में PG प्री क्लिनिकल बोर्ड मेंबर है तथा मुंबई विद्यापीठ डॉक्टर DY पाटिल यूनिवर्सिटी पर UG और PG के लिए प्री क्लिनिकल बोर्ड के सदस्य थे। सर जी के रिसर्च
आर्टिकल रिसर्च जर्नल में प्रकाशित हुए हैं तथा जनसामान्यों के लिए उन्होंने समाचार पत्र में अनेक से लेख लिखे हैं और वो प्रकाशित हुए हैं। सर एक रिसर्च जर्नल के एडवाइजरी कमेटी सदस्य भी हैं। सद्य स्थिति में सर चक्रपाणि टीका का मराठी अनुवाद करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे विविध क्षेत्र में सर का कार्य है। सर जी आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया इसलिए आपका धन्यवाद और आपका मैं यहाँ पे स्वागत करती हूँ। आज के कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े हुए समस्त मान्यवरों का पुनः स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। अभी सभी का ज्यादा वक्त जाया न करते हुए मैं डॉक्टर अभिजीत सराफ सर को विनती करती हूँ कि वो अपना व्याख्यान शुरू कर दें। नमस्कार। अत्र उपस्थितानां सर्वेषां अहम् अभिवादनं करोमि। चरक जयंती प्रीत्यर्थे आयोजितः अस्मिन् समारंभे वयं सर्वे सम्मिलिताः। अद्य अहम् चरक संहितायाः विमानस्थानस्य पंचम अध्यायः श्रुतो विमानाध्यायस्य चिकित्सकीय दृष्टिकोणः एतद् विषयम् अहम् किञ्चित् प्रकटीकरोमि। अग्रे मम व्याख्यानम् अहम् मराठी भाषायाम् अथवा हिन्दी भाषायाम् अहम् प्रकटीकरोमि। नमो नमः। धन्यवाद। आज हम इस चरक जयंती के पावन अवसर पर यहाँ पे हम सब सम्मिलित हुए हैं। आज हम चरक संहिता का विमान स्थान का पांचवा अध्याय, इसका चिकित्सकीय महत्व क्या है, ये किस लिए पढ़ना चाहिए, इसको संक्षेप में देखें। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तभी पूरा अध्याय एक एक सूत्र हम देखेंगे। इस व्याख्यान के मेरे दो हेतु है। एक तो स्रोतसों की कल्पना स्पष्ट होना कि स्रोतस क्या है, और दूसरा एक अध्याय पढ़ते समय उस अध्याय का विस्तार कैसे करना चाहिए, हर एक श्लोक का विचार कैसे करना चाहिए और उसका विस्तार तंत्र युक्तियों का आधार लेके उसका विस्तार कैसे करना चाहिए, इसका प्रयास मैं करूंगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो बताने जा रहा हूं वो अंतिम सत्य है या वही योग्य पद्धति है। पद्धतियां अनेक प्रकार की हो सकती, ये एक पद्धति है। सबसे पहले कभी भी हम किसी भी अध्याय का या किसी भी विषय का अध्ययन प्रारंभ करते हैं तब उस वहां पे उस विषय की या उस अध्याय का अधिकरण क्या है उसका हमें विचार करना पड़ता है। तो मैं पहले स्क्रीन शेयर करूंगा। स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर। तो ये स्रोतो विमानम ऐसा नाम है और उसका शुरुआत अथातः स्रोतसाम विमानम व्याख्यास्यामः इतिहास्मः भगवान अत्रेय। अब इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि क्या विषय इसमें वर्णन करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ईय प्रत्यय नहीं लगा है। आपको याद है आयुष कामीय, दीर्घन जीवितीय, रोग अभिषेक जीतीय, ऐसे अध्याय के नामकरण होते हैं, किंतु यहाँ पे स्रोतसाम विमानीय ऐसा न होके स्रोतसाम विमानम ऐसा ईय प्रत्यय न लगते हुए वर्णन किया है। इसके पीछे एक उद्देश्य होता है ग्रंथकारों का। जब किसी विषय का वर्णन किया जाता है तब वहां पे ईय प्रत्यय नहीं लगता है, और किसी विषय के हेतु का वर्णन किया जाता है तब वहां पे ईय प्रत्यय लगता है। जैसे दीर्घन जीवितीय, उस अध्याय में दीर्घ जीवन का वर्णन नहीं है तो दीर्घ जीवन के लिए क्या क्या आवश्यक है उसका वर्णन है। दिनचर्या अध्याय, यहाँ पे ईय प्रत्यय नहीं लगा है तो यहाँ दिनचर्या इस विषय का वर्णन किया है। तो यहाँ पे स्रोतसाम विमानम ईय प्रत्यय नहीं लगा है, छ प्रत्यय नहीं लगा है, तो ये विषय वर्णन है और वहां पे स्रोतस ये विषय है।
अब ये विषय किस लिए अध्ययन करना है, तो उसको चक्रपाणी नीचे टीका में कहते हैं कि पूर्वस्मिन अध्याय परीक्षा अभिधाय, इसके पहले का जो अध्याय था चौथा अध्याय, वहां पे हमने त्रिविध परीक्षा का वर्णन किया। अब वो परीक्षा किसके ऊपर करनी है, तो तत् परीक्षणीयम शरीरम दुष्टादुष्ट स्रोतो विभागेन वक्तुम स्रोतसाम विमानम उच्चते। तो शरीर का विशेष अध्ययन होना चाहिए। अब ये अध्याय विमान स्थान में आया है। विमान स्थान का उद्देश्य है चिकित्सा के लिए जो जो विशेष विघटक है, विशेष विषय है, उनका विशिष्ट अध्ययन करना। ये विमान का अर्थ है विशिष्टः मान, विशिष्ट मान या विशेष मान का अध्ययन करना। तो उसमें शरीर ये भी एक परीक्षणीय घटक है और उसका एक विशिष्ट अध्ययन की पद्धति है। तो उस संपूर्ण शरीर का अध्ययन किस प्रकार से करना चाहिए, उसमें से हम सिर्फ एक शरीर घटक का एक देश तंत्र युक्ति से या प्रदेश तंत्र युक्ति से हम केवल एक विषय का वर्णन करेंगे, उसके उसके अनुसार आप उसका अतिदेश तंत्र युक्ति का उपयोग करके जैसे यहाँ पे श्रोतस विषय का वर्णन किया है उसी के अनुसार आप बाकी के शरीर भावों का भी अध्ययन इसी प्रकार करना चाहिए। इसलिए विमान स्थान में परीक्षाओं के बाद और दोषों के ज्ञान से पहले श्रोतस विमान का अध्ययन वर्णन किया है। इसका अगला जो अध्याय है रोगानिक विमानम, उसमें विशेषतः दोषों का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पे श्रोतसाम शब्द है तो वह षष्ठी विभक्ति है, श्रोतसों का अध्ययन करना है। तो उसमें पहले हमें श्रोतस क्या है ये तो पता होना चाहिए, इसलिए प्रथम सूत्र है यावंतः पुरुषे मूर्तिमंतो भाव विशेषः तावंत एव अस्मिन् श्रोतसाम प्रकार विशेषः। अगर आप मेरे सामने नोटबुक लेके बैठे हैं या चरक लेके बैठे हैं तो इसके आगे जो जो हम पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं वो एक के बाद एक आप उसको नोट डाउन करिए, क्योंकि इस अध्याय में बहुत सारे क्राइटेरियाज वर्णन किए हैं कि किसको श्रोतस कहेंगे। तो ये पहले सूत्र में उन्होंने कहा है कि यावंता पुरुषे मूर्तिमंत भाव विशेषः, पुरुष शरीर में, पुरुष मतलब जो शरीर यहाँ पे अभिप्रेत है शरीर, तो शरीर में जितने मूर्तिमंत भाव है। अब यहाँ पे पुरुष शब्द क्यों उपयोग में लाया गया, शरीर शब्द क्यों नहीं उपयोग में लाया गया? पुरुष का अर्थ है चतुर्विंशति जो पुरुष है या षड्धात्वात्मक जो पुरुष है उसका वर्णन है, इसमें मन का भी समावेश होता है। तो जो एक जीवित व्यक्ति है उसके शरीर में, उसके अंदर जितने मूर्तिमंत भाव विशेष है, मूर्तिमंत की टीका है नीचे वो हम देखेंगे, मूर्तिमंत इति असर्वगत द्रव्य परिमाणवंतः, असर्वगत द्रव्य परिमाणम ही मूर्ति उच्चते। अब मूर्ति की व्याख्या की है कि जो सर्वगत नहीं है ऐसे द्रव्य। अब सर्वगत द्रव्य कौन से है, तो काल, दिशा, आत्मा और आकाश, ये चार द्रव्य ये सर्वगत है, मतलब विभु है, सर्वव्यापी है। काल, दिशा, आकाश और आत्मा ये सर्वव्यापी है, ये इस सृष्टि के यश्चयावत घटकों में व्याप्त है। ये कहीं पर जाते नहीं, कहीं से आते नहीं, उनकी गति नहीं है क्योंकि वो हर जगह व्याप्त है। तो ये छोड़कर जो असर्वगत है, कौन शेष है असर्वगत में, चार महाभूत और एक मन, ऐसे जो द्रव्य है इनके परिमाण को मूर्ति कहा जाता है। मतलब जिसको परमाणु स्वरूप है उसको मूर्तिमंत कहा जाता है। असर्वगत द्रव्य परिमाण बनता है, जिसको सूक्ष्म परमाणु है, मन को परमाणु है, मन का गुण अणु है, और पांच महाभूतों में से चार महाभूतों को परमाणु है, उनको उनको अणुत्व है, आकाशीय विभु है। तो ऐसे जिन जिन भाव पदार्थों को परमाणु है, उनके पार्थिव घटक है, उनको एक शरीर, उनको एक विग्रह है, ऐसे जो जो घटक है उन सभी के तावंत एव अस्मिन् श्रोतसाम प्रकार विशेषः, उन सभी के श्रोतसों के प्रकार विशेष। इसका अर्थ क्या है कि श्रोतस शरीर में जितने सारे मूर्तिमान भाव पदार्थ है उन सभी के शरीर में श्रोतस है। जो 13 यहाँ पे वर्णन किए हैं वो केवल उदाहरण मात्र वर्णन किए हैं,
तेरा ही स्रोतस है, ये गलत फहमी है। इसके ये उदाहरण मात्र के लिए, उपलक्षण मात्र के लिए वर्णन किया। स्रोतसों की संख्या अपरिसंख्य है, जितने मूर्तिमान भाव है उनके भी स्रोतस है। मन को मूर्ति है, मन को अणु है, तो मन का भी स्रोतस है। लसिका को मूर्ति है, लसिका को एक परिमाण है, तो उसका भी स्रोतस है। ओज को भी मूर्ति है, ओज को भी एक, उसको भी एक अस्तित्व है, उसका भी एक मूर्ति है, परमाणु है, उसका भी स्रोतस है। तो ऐसे अनुक्तों का भी विचार हमें करना पड़ता है। तो पहला क्राइटेरिया है स्रोतस का कि जिसका स्रोतस है वो उसका जो शारीर भाव है उसको मूर्ति चाहिए, उसको परमाणु चाहिए, और जिसका मूर्ति नहीं है, जिसको परमाणु नहीं है, उसके स्रोतस नहीं है। ये स्रोतस का पहला क्राइटेरिया, आप क्राइटेरिया लिख के रखिए। अब दूसरा, सर्वे ही भावा पुरुषे न अंतरेण स्रोतांसी अभिनिर्वर्तन्ते। इसका अर्थ, जिस शारीर भाव का स्रोतस है उसकी उत्पत्ति भी उसी स्रोतस में होती है। मतलब रस की उत्पत्ति कहाँ होगी? रस वह में होगी। रक्त की उत्पत्ति कहाँ होगी? रक्त वह में होगी। मेद की उत्पत्ति कहाँ पे होगी? मेद वह में होगी। शुक्र की उत्पत्ति कहाँ होगी? शुक्र वह में होगी। आर्तव की उत्पत्ति कहाँ होगी? आर्तव वह में होगी। या उसको व्यतिरेकान्वय से हम कह सकते हैं, जहां पे शुक्र की उत्पत्ति होती है वहां शुक्र वह स्रोतस है, जहां रस की उत्पत्ति होती है वहां रस वह स्रोतस है, जहां रक्त की उत्पत्ति होती है वहां रक्त वह स्रोतस है। तो दूसरा क्राइटेरिया है कि जिसका स्रोतस है उसकी उत्पत्ति भी उसी स्रोतस में होनी चाहिए। आगे कहते हैं, क्षयम व अपियादि गच्छन्ति, मतलब उस शारीर भाव का जो नाश है वो भी उसी स्रोतस में होता है। रस का नाश रस वह में होगा, रक्त का नाश जो स्वभाव परंपरा से नाश होने वाला है, काल की गति से जो हर एक का नाश होता है, एवरी सेवन डे धातुओं का नया निर्मित होती है और पुराने जो है उनका क्षय होता रहता है, वो भी अपने अपने ही स्रोतस में होता है। जहां जहां पे शुक्र का क्षय होगा वहां तक शुक्र वह स्रोतस है, जहां जहां पे पुरुष का क्षय होगा वहां वहां पर पुरुष वह स्रोतस है, जहां पे स्वेद का क्षय होगा या बाहर निकल जाएगा या उसका क्षय होगा वहां वहां स्रोतस है। तो तीसरा क्राइटेरिया है कि उस शारीर भाव का जो नाश है या उसका शरीर से बाहर निकलना है वो उसी स्रोतस में से ही बाहर निकलेगा। आगे कहते हैं, श्रोतांसि खलु परिणामम आपद्यमानानां धातूनां अभिवाहिनी भवन्ति अयन अर्थेन। अब यहाँ पे तीन क्राइटेरिया है। एक कह रहे कि परिणामम आपद्यमानानां, इसकी टीका देखिए, परिणाम आपद्यमान की टीका जो है उसमें से ऊपर से चौथी लाइन, परिणामम आपद्यमानानां इति पूर्व पूर्व रसादि रूपता परित्यागेन उत्तर उत्तर रक्तादि रूपताम आपद्यमानानां। मतलब जो शरीर जिसका स्रोतस है उसका परिणमन भी उसी स्रोतस में होगा। रस अपना स्वरूप छोड़कर रक्त में परिवर्तन जब होता है क्षीरदधि न्याय से, तो वो उसके स्रोतस में ही होगा। स्रोतस मतलब क्या वो आगे देखेंगे हम, पर पहले उसके क्राइटेरिया देखेंगे। तो उस धातु का परिणमन भी अपने अपने स्रोतस में ही होता है। रस का परिणमन रसवह में होता है, रक्त का परिणमन रक्त में होता है, शुक्र का परिणमन शुक्र में होता है, मज्जा का परिणमन मज्जा में होता है, स्वेद का परिणमन स्वेदवह में होता है। ऐसे परिणामम आपद्यमानानां, आपद्यमानानां ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब परिणमन को प्राप्त होते हुए ऐसे जो धातु है, धातु नाम षष्ठी विभक्ति की है, अपद्यमान जहां पे मान वान ऐसे प्रत्यय लगते हैं वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है और उसको षष्ठी विभक्ति लगाई गई है। तो परिणमन को प्राप्त होने वाले या हो रहे थे जो हो रहे हैं ऐसे धातुओं का अभिवाहिनी, उनका वहन भी स्रोतस में होता है। मतलब जिस शारीर भाव का वो स्रोतस है उसका परिणमन और उसका अभिवहन भी उसी स्रोतस में होगा। वहां पे नीचे टीका है, अभिवहन की टीका है, अयन अर्थेन, कि अयन मतलब मार्ग, तो अयन अर्थेन इति वचनात् न स्थिराणाम धातुनाम अभिवाहिनी भवन्ति स्रोतांसि। इससे ये स्पष्ट करते हैं
कि शरीर का कोई भी शारीरिक भाव ये कभी भी एक शरीर में स्थित नहीं होता, वो कंटिन्यूअसली संचारी अवस्था में ही रहते हैं, क्योंकि जहां पे संग होता है वहां व्याधि शुरू हो जाती है। यत्र संगाथ वैगुण्या तत्र व्याधि उपजायते। इसका अर्थ क्या है? जहां पे संग नहीं है वहां व्याधि नहीं होता। कई संदर्भ ऐसे है, आगे इसी अध्याय में एक संदर्भ है कि दोष धातु मल ये कभी भी एक जगह पे रुकते नहीं है, ये नित्य जन्म से लेके मृत्यु तक विकृत हो या प्राकृत हो हमेशा शरीर में संचारी अवस्था में ही रहते। ऐसे अयन अर्थेन स्थिराणाम न स्थिराणाम, मतलब वो जो संचारी है ऐसे धातुओं का अभिवहन ये स्रोतसों में ही होता है। आगे कहते चक्रपाणी, किंतु देशांतर प्रापणे न अभिवाहिनी भवति। जो देशांतर है, जो स्रोत उनका जो संचार है वो उनके स्रोतस से ही होगा, ये उसका नेक्स्ट क्राइटेरिया है। तो इतना कहने के बाद अत्रे आगे कहते हैं कि अपिच एके स्रोतसाम एव समुदयम पुरुषम इच्छन्ति। इस इतना कहने के बाद कुछ आचार्य वहां पे थे, उन्होंने कहा कि स्रोतसों का समुदाय ही पुरुष है। ये पुरुष की व्याख्या उन्होंने की, क्यों? क्योंकि सर्वगतत्वात् सर्वसरत्वात् और दोष प्रकोपण प्रशमनानाम, क्योंकि स्रोतसों में ही सभी का गति है, स्रोतसों ही सभी सभी में उसका सभी का वहन उसी में से होता है, और दोषों का प्रकोपण और प्रशमन परिणमन भी वहीं पे हो रहा है, तो प्रकोपण और प्रशमन भी वहीं पे हो रहा है। ये कारणों से उन्होंने कहा कि स्रोतसों का समुदाय ही पुरुष है। अत्रे आगे कहते हैं न तु एतदेवम्, ये कहना गलत है। स्रोतसों का समुदाय ही पुरुष है ये व्याख्या अव्याप्त है, क्योंकि यस्य ही स्रोतांसी, जिसका वो स्रोतस है, यच्च वहन्ति, उसमें से जो शारीर भाव बहता है, यच्च आवहन्ति, या जो वहां से दूसरे जगह से वहां तक बह के आता है, यत्र च अवस्थितानि, जो स्रोतस में अवस्थित है, सर्वम तत् अन्यतेभ्यः, वो स्रोतस से अलग है। मतलब रस ये अलग शारीर भाव है और रस वह ये अलग शारीर भाव है, रक्त ये अलग शारीर भाव है और रक्त वह ये अलग शारीर भाव है, रक्त और रक्त वह स्रोतस ये दो अलग अलग शारीर भाव है, मांस धातु और मांस वह स्रोतस ये दो अलग शारीर भाव है, इसलिए स्रोतसों का समुदाय ही पुरुष ये व्याख्या अव्याप्त है, बाकी भी घटक उसमें अवस्थित है। आगे कहते हैं अति बहुत्वात् खलु केचित् अपरिसंख्येयानि आचक्षते स्रोतांसि। अति बहुत्व से होने के कारण ये स्रोतस अपरिसंख्येय ऐसा कहते हैं, केचित् कहते हैं, कुछ आचार्य कहते हैं, और पुनर अन्य परिसंख्येयानि, और कुछ उसकी गणना भी करते हैं। अब यहाँ पे अपरिसंख्येय शब्द आया है, वो किस लिए आया है उसके लिए मैं जाऊंगा शारीर स्थान, शारीर स्थान सातवां अध्याय, उसमें सूत्र क्रमांक 15। सत्रहवा सूत्र। अब ये सूत्र देखिए, शरीर अवयवाहातु परमाणु भेदेन अपरिसंख्या भवन्ति। शरीर के अवयव, यहाँ पे गंगाधर जी की टीका है कि अवयव इसका अर्थ ऑर्गन ऐसा नहीं लेना है, अवयव का अर्थ है अंश या शरीर का भाव पदार्थ। शरीर में जितने भाव पदार्थ है, शरीर में जितने घटक है, वो परमाणु भेद से अपरिसंख्या है। मतलब क्या है? दोष कैसे है? परमाणु स्वरूप है। रक्त के धातु कैसे है? परमाणु स्वरूप है। मल कैसे है? परमाणु स्वरूप है। शरीर में जो जो शारीर भाव है वो मूलतः सूक्ष्मता से, अति अति सूक्ष्मता से, परमाणु भेद से उनकी गणना हम नहीं कर सकते हैं। इसी को दृष्टिगोचर में रखते हुए विमान स्थान के इस स्रोत विमान अध्याय में इन्होंने ये व्याख्या की कि अति बहुत्वात् खलु केचित् अपरिसंख्येयानि आचक्षते स्रोतांसि। तो स्रोतस ये अपरिसंख्येय है, उसमें से तेषां ऐसे अपरिसंख्येय स्रोतसों में से, तेषां तु खलु स्रोतसां यथा स्थूलम, जितने महत्व के हैं कतिचित प्रकार, उसमें भी कुछ महत्व के कुछ प्रकार हम यहाँ पे वर्णन करने जा रहे हैं। इसको कहते हैं प्रदेश तंत्र युक्ति, कि पूरा का पूरा वर्णन करना असंभव है, इसलिए हम कुछ यथा स्थूलम जितने महत्व के हैं या जानने योग्य है ऐसे कुछ प्रकारों के वर्णन हम करने जा रहे हैं। इस स्रोतस में यहाँ पे अनुक्तों का भी वर्णन करना पड़ता है, इसलिए आगे क्या कहते देखिए,
अब जो वर्णन कर रहे हैं वो कि दो प्रकार से कर रहे हैं, कतिचित प्रकारात मूलतः च प्रकोप विज्ञानतः च अनुव्याख्यास्यामः। वर्णन जो करेंगे हम, जो उक्त यहाँ पे वर्णन किए हैं, जो यथास्थूल कुछ प्रकारों का हम वर्णन करेंगे, वो मूलतः मतलब उनके मूल, उनका मूल क्या है, मूलतः वर्णन करेंगे, और प्रकोप विज्ञानतः उनका प्रकोप कैसे होता है या विकृति कैसी है उसका अनुसार हम वर्णन करेंगे। तो ये उसकी मेथोडोलॉजी है, ये वर्णन करने की मेथड है। तो स्रोतसों का कभी भी आप अध्ययन करेंगे तो वो दो प्रकार से हमें करना पड़ेगा, एक तो मूलतः और दूसरा प्रकोप विज्ञानतः। प्रकोप विज्ञान में और दो घटक आते हैं, एक है दुष्टि हेतु और दुष्टि लक्षण जो आगे वर्णन किए हैं, और तीसरा घटक है चिकित्सा। ये इस सभी विषय प्रकोप विज्ञान में आते हैं और मूलतः क्या है वो हम आगे देखेंगे। अब ये किस लिए ये वर्णन क्यों कर रहे हैं, ये भविष्यन्ति अलम अनुक्तार्थ ज्ञानाय ज्ञानवताम। ये आपको आगे अनुक्त जो जो यहाँ पे वर्णन नहीं किए हैं उनके ज्ञान के लिए आपको अलम मतलब समर्थ है, भविष्यन्ति आगे के काल में, मतलब ये जो 13 वर्णन किए हैं ये उक्त है और इनके वर्णन करने के पद्धति से हमें अनुक्त स्रोतों का अध्ययन करना पड़ता है। मैं उदाहरण बताऊंगा कुछ, देखिए यहाँ पे क्या क्या वर्णन किया है, आगे लिस्ट भी है कि प्राण उदक अन्न रस, मतलब प्राण वह उदक वह अन्न वह रस वह रुधिर वह मांस वह मेदो वह अस्थि वह मज्जा वह शुक्र वह मूत्र वह पुरुष वह स्वेद वह। ये यहाँ पे कतिचित प्रकार कुछ प्रकारों का वर्णन किया, इनका जिस प्रकार से वर्णन किया है वो ज्ञान बुद्धिमान के लिए अनुक्तों के ज्ञान विषय समझने के लिए आपको एक काफी है। और विज्ञानाय च अज्ञानवताम, और जो मंद बुद्धि है उन्होंने इतना ही समझा तो भी पर्याप्त है, किंतु हम सभी लोग बुद्धिमान है तो हमें अनुक्तों का ज्ञान कैसे करना है इसके लिए मैं अभी कुछ बताता हूं। जैसे क्या क्या क्राइटेरिया है हमारा अभी तक स्रोतस का, कि उसकी उत्पत्ति भी उसी स्रोतस में होनी चाहिए, उसको परमाणु स्वरूप होना चाहिए मतलब उसको एक स्वरूप होना चाहिए, उसका प्रमाण गिनना वो परिणमन मतलब उसका वो प्रमाण से हम उसकी गणना कर सकते हैं ऐसा होना चाहिए। दूसरा उसकी उत्पत्ति भी उसी स्रोतस में होनी चाहिए, उसका नाश भी वहीं पे होना चाहिए, उसका परिणमन भी उसी स्रोतस में होना चाहिए, उसका वहन भी उसी स्रोतस में होना चाहिए, उसका कार्य भी उसी स्रोतस में होना चाहिए, उसका चय प्रकोप प्रशम आदि विकृति भी उसी स्रोतस में होनी चाहिए। अब इन्होंने कुछ वर्णन किए प्राण रस रक्त रुधिर। अब लसिका नाम का शारीर भाव है, उसकी शरीर में कहीं तो उत्पत्ति होती है, कहीं पे तो कार्य है, कहीं पे तो उसकी विकृति दिखाई देती है, वहन है, तो ये जहां जहां हो रहा है वहां वहां पर लसिका वह, ये अनुक्त स्रोतसों का आपने विचार करना पड़ता है। अब अश्रु, ये एक शारीर भाव है अश्रु, तो अश्रु की उत्पत्ति कहीं तो है, उसका वहन है, उसका परिणमन है, उदक से अश्रु की निर्मिति होती है, उसका कार्य भी है, नेत्र प्रदेश में कार्य भी है, और फिर उसका नाश भी है और उसका वहन भी है। तो जहां जहां पे ये सब कुछ कार्य होगा वहां वहां पर अश्रु वह स्रोतस है। इसका वर्णन इसी सूत्र के ज्योतिष चंद्र सरस्वती की टीका में वर्णन किया है, चरक प्रदीपिका टीका में इसका वर्णन है। अब ओज नाम का शारीर भाव है, उसका प्रमाण बताया गया है, कितना प्रमाण है ओज का, उसका उत्पत्ति भी कैसे होती है, उसका नाश भी होता है, ओजक्षय भी वर्णन किया है, उसका विकृति भी वर्णन की है, उसके प्राकृत कार्य भी वर्णन की है। तो ये जहां जहां पे होते हैं वहां वहां पर ओजो वह स्रोतस है। मन को परमाणु है, मन को गति है, मन के विकृतियां बताई है, मन का परिणमन भी बताया है, मन के विषय है, मन विषय ग्रहण करता है बुद्धि तक परिणम उनके ऊपर प्रक्रिया करके वो डेटा मन बुद्धि को भेजता है। इंद्रिय अभिग्रह स्वस्थ निग्रह उयो और विचार ये उसके कर्म है, ये कर्म करता है, ये सभी जहां पे होते हैं उसको मनोवह स्रोतस कहा जाता है, इसका वर्णन है। अग्नि ये शारीर भाव है, तो अग्नि ये शारीर भाव है तो उसका स्रोतस है, अग्नि का अपना स्रोतस है, क्योंकि अग्नि ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है या डाइजेस्टिव फायर नहीं है, ये एक तेज महाभूत प्रधान ऐसा वृक्ष गुण का शारीर भाव है।
ये शरीर में उसकी उत्पत्ति आहार के परिणमन से होती है, उसका कार्य है, उसकी अभिव्यक्ति है, उसका वहन है। ज्वर में क्या होता है, अग्निवह तक तेज महाभूत के परमाणु नहीं जाते हैं क्योंकि आम के कारण स्रोतो विबंध है, और फिर वो तेज के परमाणु सर्व शरीर में संचार करते हैं, इसलिए सर्व शरीर संतप्त है किंतु अग्नि मान्य है। यहाँ पे जो अवरोध है वो अग्निवह स्रोतस में, निद्रा जब आती है तो मनोवह स्रोतस में कुछ काल के लिए वहां पे अवरोध होता है। ऐसे उन्माद अपस्मार के आप सूत्र देखोगे तो उन्माद अपस्मार में विकृति कहाँ है, मनोवह में। चलो देखते हैं, हम वो भी देखते हैं, निदान स्थान का उन्माद अध्याय उसकी संप्राप्ति। देखिए क्या कहते हैं, सबसे अंतिम सूत्र देखिए, अंतिम पंक्ति देखिए इसकी, कि भूयो अभिघाता अभ्याहता नाम वा मनसी उपहते बुद्धौ च प्रचलितायाम अभ्युदूर्णा दोषा प्रकुपिता हृदय उपसृत्य मनोवहानि श्रोतांसि आवृत्य जनयन्ति उन्मादम। तो यहाँ पे उन्माद उत्पन्न होने के लिए मनोवह श्रोतस में दोषों का स्थान संश्रय होना अत्यंत आवश्यक है। इसका मतलब मनोवह श्रोतस है वहां पे दोष भी संचार करते हैं, कौन से, शारीरिक दोष भी मनोवह में संचार करते हैं, वो वहां पे जाके जब स्थान संश्रय करते हैं, जब तक वो संचारी अवस्था में है विकृति नहीं होगी, जब जहां वहां पे जाके रुकेंगे जाएंगे तभी विकृति आएगी। अब देखिए सुश्रुत संहिता में, सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 46 चैप्टर, उसमें सूत्र नंबर 527, इसके पहले का सूत्र है, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस सर। अभी आपके सामने जो सूत्र है वो देखिए, स्वल्पम यदा दोष विबद्धम आमम लीनम न तेज पथम आवृणोति भवती अजीर्णे अपि तदा बुभुक्षा या मंद बुद्धि विषवत् न निधि। अब यहाँ पे शब्द है तेज पथ, इसकी टीका देखिए, तेज पथ इति, पांचवी लाइन में टीका है, कि मैंने बोर्ड ये किया है, तेज पथ इति जठर अनल मार्गम, जठर अग्नि का मार्ग बता रहे हैं तेज पथ। अब मतलब अग्नि का भी स्रोत है, अग्नि का भी मार्ग है। अब ये क्या है कि जब स्वल्पम दोष में दोष आम से विबद्ध होकर लीन होकर अग्नि व स्रोतस में लीन होकर पड़े रहते हैं, स्थान संश्रय होता है, तब अजीर्ण में भी किंचित बुभुक्षा लगती है, वो बुभुक्षा मंद बुद्धि व्यक्ति को विषवत मार डालती है, क्योंकि ऐसे बुभुक्षा में, अजीर्ण में जब बुभुक्षा लगती है तब अगर कोई व्यक्ति खाना खा लेता है तो उसमें आम विष की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे तेज पथ यानी अग्निवह श्रोतस का वर्णन किया है। ऐसे कई संदर्भ अनुक्त श्रोतसों के संदर्भ हमें मिलते हैं। सूत्र स्थान के अध्याय नंबर 20 विधि श्रोणी अध्याय 24वां, इस अध्याय में रक्त के वर्णन करने के बाद मूर्छा संन्यास का वर्णन किया है। ये देखिए क्या सूत्र है, 25 नंबर का सूत्र है, यदा तु रक्तवाहिनी रस संज्ञा वहानी च पृथक पृथक समस्ता वा श्रोतांसि कुपिता मलहा। कुपित मल, मल मतलब दोष, विकृत दोषों को मल कहा जाता है। शारीर स्थान के अध्याय नंबर 6 सूत्र नंबर 15 में कुपित दोषों को मल संज्ञा दी गई है। तो क्या कह रहे हैं कि जब कुपित दोष रक्तवाहिनी स्रोतस में या रसवाही स्रोतस में या संज्ञावाही स्रोतस में जाकर स्थान संश्रय करते हैं, तब क्या होता है, आगे की संप्राप्ति होकर जो संज्ञा नष्ट हो जाती है और उसको मद मूर्छा आदि व्याधि उत्पन्न हो जाती है। तो ये संज्ञावह स्रोतस का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से हमें कई प्रकार के अनुक्त स्रोतसों का हमारे ग्रंथ में ही संदर्भ प्राप्त होते हैं। अब थोड़ा सा आपको मैं विचार करने के लिए आपके सामने एक विषय रख रहा हूं, इसके ऊपर उहन होना चाहिए जो विषय में अभी आगे बताने वाला हूं, कि अनुक्त स्रोतसों में हमने कुछ देखे, अभी अनुक्त स्रोतसों का विचार किया कि जिनके संदर्भ ग्रंथ में मिलते हैं, किंतु फिजिक्स के और केमिस्ट्री के
जो नया साइंस है, डेवलप हुआ साइंस है, उनके डेवलपमेंट के कारण हमें हमारे शरीर में से कई नए शारीरिक भावों का ज्ञान हुआ है, जैसे विटामिन है या एंजाइम है, प्रोटीन्स है, कैल्शियम है, हॉर्मोन्स है। तो ये शारीरिक भाव है कि नहीं? बिल्कुल है। हॉर्मोन ये शारीरिक भाव है ना? बिल्कुल है। विटामिन ये शारीरिक भाव है कि नहीं? बिल्कुल है। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम ये शारीरिक भाव है कि नहीं? बिल्कुल है। एंजाइम्स, अनेक विध प्रकार के एंजाइम्स हमारे शरीर में है, क्या वो शारीरिक भाव है कि नहीं? बिल्कुल है। इनकी कहीं पे उत्पत्ति होती है कि नहीं? होती है। इनका कहीं तो वहन होता है कि नहीं? टारगेट ऑर्गन है कि नहीं इनके? बिल्कुल है। इनका कार्य शरीर में दिखाई देता है कि नहीं? बिल्कुल दिखाई देता है। इनका क्षय वृद्धि पता चलती है कि नहीं? पता चलती है। हम कहते हैं कैल्शियम कम हुआ है, बढ़ गया है, विटामिन्स की डिफिशियंसी कहते हैं, और इनका प्रमाण तो हम गिन सकते हैं, टेस्ट भी करते हैं, सभी के टेस्ट मिलते हैं, ब्लड टेस्ट से हमें पता चलता है कि विटामिन बी12 कम है, सी विटामिन सी कम है, विटामिन ई कम है, और एंजाइम्स की भी टेस्ट होती है, क्या कहते हैं, हॉर्मोन्स की भी टेस्ट है। इससे हमें उन हॉर्मोन का प्रमाण भी कर सकते हैं कि इनका क्षय वृद्धि भी हुई है। इनके कार्य भी शरीर में दिखाई देते हैं, प्राकृत कार्य भी है, क्षय वृद्धि के भी कार्य है। इसका अर्थ इन सभी के अपने अपने स्रोतस है। ACTH वह स्रोतस, LH वह स्रोतस, कैल्शियम वह स्रोतस, पोटेशियम वह स्रोतस, एंजाइम वह स्रोतस, FSH वह स्रोतस, विटामिन B12 वह स्रोतस, विटामिन सी वह स्रोतस। ये क्या अनुक्त नहीं है? बिल्कुल अनुक्त स्रोतस है। इनका भी विचार करना चाहिए, हमारे अध्ययन में इनका विचार करना चाहिए। कोरिलेशन अगर करना है दो साइंस का तो वो इस प्रकार से करना चाहिए। ये मेरे विचार है, शायद ये विचार मेरे गलत भी हो सकते हैं, किंतु देखिए हमें समझो FSH है, या फिर आसान लेते हैं हम, चलो एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, इसकी कहीं तो उत्पत्ति है, मूल स्थान है इसका, कहीं तो उत्पत्ति है, कहीं से तो मतलब उत्पन्न होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, वहां से उसका वहन होता है गर्भाशय तक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, मतलब इसका वहन किसी ना किसी मार्ग से है, अपने मार्ग से है, उसका टारगेट ऑर्गन है, उसके क्षय वृद्धि के लक्षण मिलते हैं, उसकी साइकिल भी है अपनी अपनी, स्त्री शरीर में, पुरुष शरीर में भी LH है, उसकी भी अपनी अपनी साइकिल पुरुष शरीर में भी है। तो उसका अपना स्रोतस, जो स्रोतस के क्राइटेरिया अभी तक हमने देखे, उस क्राइटेरिया में LH का भी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी अपना स्रोतस होना चाहिए। LH वह स्रोतस होना चाहिए, तभी वो ये कार्य कर पाएगा। अगर ये कार्य नहीं कर पाएगा, ये क्राइटेरिया में नहीं बैठेगा, तो क्योंकि उसको मूर्ति भी है। और पहला ही वाक्य है, यावंत शरीर मूर्तिमंत भाव विशेष, यावंत एव अस्मि स्रोत संप्रकार विशेष। तो कुछ हम आयुर्वेद के उस समय के जो शारीरिक भाव उनको पता थे, उनके अनुक्तों का अध्ययन हमने देखा, संदर्भ देखे, और आज के मॉडर्न फिजिक्स के डेवलपमेंट के कारण जो नए शारीरिक भाव पता चले हैं, उनका विचार कब करेंगे हम? उनका भी स्रोतस है। तो ये अनुक्तों में ये जो संहिता डिपार्टमेंट और काय चिकित्सा डिपार्टमेंट है, इनमें इस प्रकार के थीसिस हम कर सकते हैं क्या, कि क्रिटिकल कंसेप्ट ऑफ अनुक्त स्रोतस विद स्पेशल रेफरेंस टू LH वह स्रोतस। एक करके तो देखेंगे ना। अभी मैडम ने बताया कि मैं पीजी का स्टूडेंट गाइड हूं, तो मेरे अभी तक जो स्टूडेंट हुए हैं उसमें हमने दो अनुक्त स्रोतसों के अध्ययन पूरे किए हैं। एक ने मनोवह स्रोतस की डिफिनेशन पूरा डिफाइन किया है कि व्हाट इज मनोवह स्रोतस, और दूसरे विद्यार्थी ने अश्रुवह स्रोतस की डिफिनेशन की कि क्या है अश्रुवह स्रोतस, क्या है उसकी, इन मेथोडोलॉजी से डेवलपमेंट हमने वो थीसिस किया। दोनों पास हो गए, थीसिस सैंक्शन भी हो गए। तो इस प्रकार से क्या हम बाकी अनुक्तों का अध्ययन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और ये संहिता विभाग का ही काम है ये काम करना। तो आगे देखेंगे, तो ये 13 नाम यहाँ पे दिए, बाकी के हमें अध्ययन करने पड़ेंगे। आगे जाएंगे, वात पित्त श्लेष्म, किसी का माइक चल रहा है कृपया म्यूट करके रखिए, वात पित्त श्लेष्मणाम पुनः सर्व शरीर चराणाम, क्या कह रहे, दोष, ये सर्व शरीर चर है, चर मतलब गति करने वाले, दोषों की गति संपूर्ण शरीर में है, वो कहीं एक जगह पे बैठे नहीं है। वायु केवल पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्र अस्थि स्पर्श इंद्रिय में बैठा है,
ये गलत फहमी है, वायु सर्व शरीर में है, चेष्टमा सर्व शरीर में है, पित्त सर्व शरीर में है और वो हमेशा संचारी अवस्था में, जहां पे वो रुक जाते हैं वहां पे व्याधि करते हैं। क्या कह रहे आगे, सर्वाणी श्रोतांसी अयन भूतानी, उनका उनकी जो गति है वो सभी स्रोतसों में से है, इसलिए दोषों के अलग स्रोतस नहीं है, वो सभी स्रोतसों में से आवागमन करते हैं, जो उक्त अनुक्त स्रोतस है उन सभी में से आवागमन दोषों का संचार नित्य होता रहता है। तद्वत अतीन्द्रियाणाम, प्लीज आपका माइक म्यूट करके रखिए, किसी का माइक चल रहा है। तद्वत अतीन्द्रियाणाम पुनः सत्वादीनाम केवलम चेतनावत शरीरम अयन भूतम अधिष्ठान भूतम च। उसी प्रकार से जो अतीन्द्रिय मन बुद्धि सत्व अहंकार जो संज्ञा वगैरह जो है वो भी संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, इसलिए उनका स्रोत ये अयन भूत और अधिष्ठान भूत भी है। यहाँ पे गंगाधर जी की बहुत सुंदर टीका है, उन्होंने स्रोतसों के प्रकार वर्णन किए हैं। पहला स्रोतस का प्रकार है केवल अयन भूत और दूसरा प्रकार है अयन भूत और अधिष्ठान भूत। दोषों के स्रोतस ये अयन भूत स्रोतसों के प्रकार है और मनोवह संज्ञा वह बुद्धि वह इंद्रिय वह स्रोतस, इनके जो वहन के जो स्रोतसों के प्रकार है वो अयन भूत और अधिष्ठान भूत है। अब देखिए इंद्रिय वह का स्रोतसों का संदर्भ मैं भूल गया, मैं वो देता हूं आपको। सूत्रस्थान का अध्याय 23 संतर्पणी अध्याय, उसमें देखिए सूत्र नंबर 7 देखिए, 7 आपके सामने जो स्क्रीन है उसमें सूत्र नंबर 7वां, ये संतर्पण जो हेतु है उसके कारण कौन से व्याधि उत्पन्न होते हैं उसका वर्णन, और वो कहते हैं इंद्रिय स्रोतसाम लेपो। यहाँ पे शब्द है इंद्रिय स्रोतसाम, ये सामासिक शब्द है। अगर इंद्रिय और स्रोतस ऐसे दो अलग शब्द होते तो द्वंद्व समास का उपयोग किया जाता, इंद्रिय स्रोतसौ ऐसा उल्लेख होता, किंतु द्वंद्व समास न करते हुए इंद्रिय स्रोतसाम लेपो ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास जो किया है, इसका अर्थ है इंद्रिय वह स्रोतस में लेप उत्पन्न होता है। अति संतर्पण के कारण इंद्रिय वह स्रोतस में लेप उत्पन्न होता है और इंद्रियों की विकृति उत्पन्न होती है। ये इंद्रिय वह स्रोतस का एक संदर्भ है। दूसरा संदर्भ सिद्धि स्थान के 9वें अध्याय में सूत्र नंबर 4 में, ये देखिए यहाँ पे सूत्र में बोल्ड करता हूं, यहाँ पे देखिए शिरसी शिरस्य श्लोक आपको दिख रहा है ना, कोई प्लीज मुझे बताए कि श्लोक दिख रहा है? जी दिख रहा है सर। यस सर। तो शिरसी इंद्रियाणि इंद्रिय प्राणवाहानी श्रोतांसी, क्या संदर्भ है कि शिर प्रदेश में कौन कौन रहता है, शिर में कौन है, सभी इंद्रिय ये शिर में है, नासा ये इंद्रिय नहीं है, नासा ये इंद्रिय का अधिष्ठान है, कर्ण ये इंद्रिय नहीं है, ये इंद्रिय का अधिष्ठान है, घ्राणेन्द्रिय और श्रवण इंद्रिय ये शिर प्रदेश में मस्तिष्क में है। आयुर्वेद भी यही कहता है, मॉडर्न साइंस क्या कहते हैं, सभी सेंसरी ऑर्गन जो सेंसरी जो सेंटर्स है वो ब्रेन में है, तो आयुर्वेद भी वही कह रहा है, मतलब इनको ये पता था कि सभी जो इंद्रिय है वो शिरस्थ है और इंद्रिय वहानी श्रोतांसी और प्राण वहानी श्रोतांसी भी शिर प्रदेश में है। अब मुझे कोई बताइए प्राणवह का मूल स्थान क्या है, हम आगे देखने वाले हैं किंतु अभी बताइए मुझे प्राणवह का मूल स्थान क्या है? हृदय दश धमनी। पर वहां पे शिर तो नहीं लिखा है, हृदय और दश धमनी ये प्राणवह के मूल स्थान है, किंतु यहाँ चरक तो कहते हैं कि प्राणवह स्रोतस ये शिर प्रदेश में है, इसका अन्वय कैसे लगाएंगे इसका विचार हम आगे करेंगे, अभी हम केवल इंद्रिय वह स्रोतस का विचार कर रहे हैं। तो इंद्रिय वह स्रोतस ये शिर प्रदेश में है, उसका स्थान शिर प्रदेश में है। तो इस प्रकार से शरीर में इंद्रिय वह स्रोतस भी है और उनका अपना अपना कार्य भी होता है, मतलब जो जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय है उनके अपने अपने स्रोतस है और उनका जो स्रोतसों का प्रकार है वो अयन भूत और अधिष्ठान भूत है। ये समझने के लिए आप पूरा गंगाधर जी की इस श्लोक के ऊपर की टीका मूलतः पढ़िए।
आगे कहते हैं तद एतत् श्रोतसाम प्रकृति भूतत्वात् न विकारय उपसृजते शरीरम। जब तक ये स्रोतस प्रकृति भूत है तब तक शरीर में विकृति उत्पन्न नहीं होती। अब आगे कह रहे तत्र प्राणवहानाम श्रोतसाम हृदय मूलम महाश्रोतस्य दशधमनी, आपने गलत बताया था, हृदय मूल और महाश्रोत ये प्राणवह के मूल स्थान है। और यहाँ पे मूल स्थान की नीचे टीका है वो देखिए पहले क्या है। मूलम इति ये देखिए टीका, मूलम इति प्रभव स्थानम, टीका देखा है आपको सबको मिल गई, मूलम इति प्रभव स्थानम। अब प्रभव का अर्थ क्या है, प्रभव का एक अर्थ है उत्पत्ति, जहां पे उसकी उत्पत्ति है वो उसका मूल स्थान है। और प्रभव का दूसरा अर्थ है प्रकर्षेण भवति इति प्रभवः, जहां पे वो शारीर भाव ज्यादा मात्रा में प्रकर्ष से वहां पे अस्तित्व में रहता है वहां पे भी उसको मूल स्थान कहा जाता है। मेद का मूल स्थान क्या है, वृक्क बताया है, क्यों, क्योंकि वृक्क प्रदेश में मेद ये ज्यादा मात्रा में अवस्थित है, ये प्रकर्षेण भवति इसलिए वहां पे बताया है। हर समय में केवल उत्पत्ति ही होती है ऐसा कुछ नहीं है। प्रभव का एक और भी अर्थ है वहां जहां पे उस शारीर भाव का ज्यादा मात्रा में कार्य अभिव्यक्त होता है उसको भी प्रभव स्थान कहते हैं, उसको भी मूल स्थान कहेंगे। जहां पे रस का ज्यादा मात्रा में कार्य दिखाई देगा वो भी उसका मूल स्थान है। अब दो मूल स्थान बताए हैं, इसका अर्थ केवल दो ही मूल स्थान है ऐसा नहीं है। दो हमने मंद बुद्धि के व्यवहार के लिए बताए हैं, बाकी अनुक्त मूल स्थान का भी अध्ययन करना पड़ता है। तो प्राणवहानाम श्रोतसाम हृदय मूलम महाश्रोतः च, इस च में अनुक्त बाकी के जो स्थान है वो भी आएंगे। केवल दो ही है ऐसा नहीं है। अभी हमने सिद्धि स्थान का संदर्भ देखा, वहां पे प्राणवह ये शिर प्रदेश में है ऐसा संदर्भ है, तो यहाँ पे हृदय मूलम महाश्रोतः च में शिर भी आएगा। तो प्राणवह श्रोतसा मूलम महाश्रोतः, तो इसका अर्थ यहाँ अनुक्त मूल स्थानों का भी अध्ययन करना पड़ता है। वो कौन करेगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो एक और थीसिस के लिए आपको सब्जेक्ट है कि श्रोतसों के अनुक्त स्थानों का अध्ययन, उसकी मेथड भी है क्योंकि उसका व्याख्या दी है कि प्रभाव। तो जहां पे एक तो उस शारीर भाव की उत्पत्ति है, मतलब हमें समझो LHV श्रोतस का मूल स्थान पता करना है, LHV का तो मूल स्थान क्या है, उसकी उत्पत्ति जहां है वो उसका मूल स्थान है, और उसका कार्य जहां पे दिखाई देता है वो भी उसका मूल स्थान है, और वो ज्यादा मात्रा में जहां पे अवस्थित रहता है संचार करता रहता है वो भी उसका मूल स्थान है। जैसे अश्रुव श्रोतस है तो अश्रुव का मूल स्थान क्या होगा, नेत्रकूट में ऊपर अश्रु कोश है वो उसका मूल स्थान है, वहां से उसकी उत्पत्ति है। उसका कार्य कहाँ पे दिखाई देता है, दोनों नेत्र द्वयों में दिखाई देता है, तो नेत्र द्वय ये भी उसका मूल स्थान है। तो ये उनके अनुक्त स्रोतसों के मूल स्थान के अध्ययन में इस पद्धति का उपयोग होता है। अब ये आगे का आपको सब कुछ पता है कि उसके क्या कहते हैं लक्षण क्या है, उनके दृष्टि लक्षण क्या है। मैं एक सिर्फ बताता हूं कि किस प्रकार से देखना पड़ता है। अति सृष्टम अति बद्धम कुपीतम अल्पाल्पम अभिक्षणम वा सशब्दशूलम उच्छ्वसंतम। अब यहाँ पे हर एक विशेषण ये उच्छ्वसंतम के लिए है। अति सृष्टम उच्छ्वसंतम, अति बद्धम उच्छ्वसंतम, कुपीतम उच्छ्वसंतम, अल्पाल्पम उच्छ्वसंतम, अभिक्षणम उच्छ्वसंतम वा सशब्दशूलम उच्छ्वसंतम। ऐसा अगर उच्छ्वास दिखाई दे रहा है तो समझिए कि प्राणवह श्रोतस प्रदुष्ट है। अब महाश्रोतस का अर्थ हम GI ट्रैक लेते हैं वो गलत है। यहाँ पे ज्योतिष चंद्र सरस्वती जी ने टीका लिखी है कि यहाँ पे महाश्रोतस का अर्थ फुफ्फुस लेना है, क्योंकि उच्छ्वास का वर्णन आया है। प्राणवह श्रोतस की दृष्टि जहां पे दिखाई देती है वो उच्छ्वासन से दृष्टि दिखाई देती है, तो वो फुफ्फुस के कार्य के ही वर्णन है। वो आप टीका मूलतः देखिए। अब आगे उदक वहानाम श्रोतसाम तालु मूलम क्लोमम च। अब क्लोम इसको कई कई लोग कहते हैं कि संदिग्ध अवयव है, मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल संदिग्ध नहीं है, क्योंकि क्लोम ये कोष्ठांग में वर्णन किया है
और उसकी ज्योतिष चंद्र सरस्वती जी की टीका, अभी मैं नहीं दिखा पाता हूँ लेकिन आप बाद में देख लीजिए, वो टीका अवेलेबल है, जयपुर में टीका मिलती है चरक प्रदीपिका, उसमें उन्होंने क्लोम का जो वर्णन किया है वो तंतोतंत्र पैनक्रियास से मिलता जुलता है। और आज भी पैनक्रियास की जितनी सारी विकृतियां है उसमें हमें जल की विकृति, जलीय विकृति या फिर उसका जो तृष्णा आदि जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं। अब उदक का अर्थ क्या है, हमारे जो बीएमएस के बच्चे हैं ना उनको यही लगता है, मैं जब बीएमएस में था तो मुझे भी लगता था कि जो पानी हम पीते हैं उसका यह स्रोतस होगा, जो पानी हम मुख वाटे पीते हैं वो शरीर में जहां जहां संचार करता है उसका ये स्रोतस है। ये कल्पना सरासर गलत है क्योंकि उदक की कल्पना चरक ने वर्णन की है वो हम देखते हैं। वो कल्पना शरक शारीर स्थान सातवें अध्याय के 15वें सूत्र में है। क्या कह रहे हैं कि देखिए सूत्र नंबर 3 से देखिए, दश उदकस्य अंजलयः शरीरे स्वेन अंजलि प्रमाणेन। अब यहाँ पे अंजलि प्रमाण आया है, अंजलि का अर्थ जहाँ पे जिसको हम मराठी में उंजल कहते हैं या फिर दोनों हाथ की अंजलि, ये अर्थ यहाँ पे नहीं है। स्वेन अंजलि प्रमाणेन तृतीय विभक्ति है और शरीरे सप्तमी विभक्ति है। तो स्वेन अंजलि प्रमाण मतलब हमारे चरक संहिता में जो अंजलि प्रमाण बताया गया है उसके अनुसार उदक दश अंजलि है। तो अंजलि प्रमाण कहाँ पे वर्णन किया है, कल्पस्थान के 12वें अध्याय में ये अंजलि प्रमाण 93 नंबर के सूत्र में वर्णन किया। ये देखिए आपके सामने 93 नंबर का सूत्र में बोल्ड करता हूं, ये देखिए क्या सूत्र है, फलम चतुर्गुणम विद्यात अंजलिम कुड़वम तथा। एक अंजलि ये पर्याय है एक कुड़व का, इसका प्रमाण क्या है, चार पल, एक पल मतलब चार तोला मतलब 16 तोले इतनी एक अंजलि है। अब इसको मिलीलीटर में गणना कीजिए आप और इंटू 10 इतना ये दश अंजलि मतलब 10 × 4 पल ये उदक है। सॉरी शारीर स्थान 7वां अध्याय सूत्र 15। तो अंजलि मतलब हाथ की जो अंजलि है वो नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। इससे हम मूत्र तो गिन सकते हैं लेकिन आप शरीर का पित्त कफ रक्त मांस मेद लसिका कैसे उनकी गणना करेंगे। तो अंजलि का अर्थ है एक कुड़ो या चार पल, ये स्वेन अंजलि मतलब हमारा अंजलि प्रमाण मतलब चरक संहिता में वर्णन किया हुआ अंजलि प्रमाण है। अब उदक की कल्पना क्या है, तो यत्तु प्रच्छवमानम पुरुषम अनुबध्नाति अति योगेन, जो पुरुष के साथ जब अति योग होता है उदक का तो पुरुष के साथ जो प्रश्चवित होता है उसको भी उदक कहेंगे। मतलब अतिसार में जो धातु धातु से जो जलीय भाग बाहर निकलता है, धातो प्रसिच्छते ऐसे अतिसार की संप्रति है। तो हर धातु में से उस उष्मा के कारण जो जलीय भाग बाहर निकलता है वो भी उदक है। तथा मूत्रम रुधिरम अन्यांश शरीर धातुन, मूत्र में जो जलीय भाग है वो उदक है, रक्त में जो जलीय भाग है वो उदक है और अन्य शरीर धातुओं में जो जो जलीय भाग है वो सभी उदक में आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चरक खुद कह रहे, आपके सामने सूत्र है, मैं केवल उसका अर्थ बता रहा हूं, ये मेरे विचार नहीं है, ये चरक के विचार है। आगे कह रहे यत्तु सर्व शरीर चरम बाह्या त्वक विवर्ती, जो सर्व शरीर में संचार करता हुआ शरीर के त्वचा में बाह्य त्वचा में अवस्थित रहता है उसको भी उदक कहते हैं। यत्तु त्वगंतरे व्रणगतम लसिका शब्दम लभते, जो जब त्वचा में संचार करता हुआ व्रण से बाहर निकलता है जिसको लसिका शब्द कहा जाता है वो भी मूलतः उदक ही है। यच्च उष्मणा अनुबद्धम लोमकूपेभ्यो निष्पतत, स्वेद शब्दम अवाप्नु, जो उष्मा से अनुबद्ध होके लोमकूपों से बाहर निकलता है जिसको स्वेद कहा जाता है वो भी उदक है। तद उदकम दशा अंजलि प्रमाणम, उदक की कल्पना केवल पिया हुआ पानी इतने ही नहीं है,
सभी शरीर धातुओं में से जो जलीय भाग है, मूत्र में, रक्त में, अन्य शरीर में, मेद मज्जा आदि में जो जलीय भाग है, जो पुरुष के साथ बाहर निकलता है अति मात्रा में, जो लसी का शब्द जिसको वर्ण में मिलती है, जो लोमकूप से उष्मा से अनुबद्ध होकर बाहर निकलकर स्वेद शब्द में दिया जाता है, ऐसा सभी उदक दश जलीय प्रमाण है। इसका जो स्रोतस है, इस उदक का जो स्रोतस या मार्ग है संचार करने का, वो तालु, उसका मूल और क्लोम। अब इस सभी उदक की पैनक्रियास से आप संबंध लगा के अध्ययन कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि क्लोम का अर्थ ये पैनक्रियास से कैसा मिलता है। फिर उसके विकृति वर्णन किए, दुष्ट लक्षण है वो आपको पता है। आमाशय मूलम सॉरी अन्नवाहनम स्रोतसाम आमाशय मूलम वामम च पार्श्वम। तो यहाँ पे वामम च पार्श्व में चकार से और भी अनुक्त है, उनको भी लेना है। और रसव आदि सभी ये मूल स्थान में पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है। जो एक सिर्फ अभी बताऊंगा कि शुक्रवाहनम स्रोतसाम वृषणो मूलम क्षेपश्च। तो यहाँ कहाँ बताया है कि शुक्र वह ये केवल पुरुष शरीर में है, बिल्कुल नहीं बताया है। शुक्र व स्रोतस ये दोनों शरीर में है, तो वृषण ये जो अवयव पुरुष शरीर में है, उसका जो स्त्री विशिष्ट अवयव है वो ओवरी है, तो वो स्त्री वृषण ही है ना, ओवरी इज अ स्त्री वृषण, तो वो शुक्र व स्रोतस का मूल स्थान है। जो शेफ ये पुरुष शरीर में है, उसका अभी उसका जो अवयव स्त्री विशिष्ट अवयव है वो क्लिटोरिस है, वो शुक्र व का मूल स्थान है। तो इस प्रकार से सभी धातुओं के हमें मूल स्थान यहाँ पे वर्णन किए गए हैं। अब आगे कहते हैं प्रदुष्टानाम तु खलु एषाम रसादि वह स्रोतसाम विज्ञानानि युक्तानि विविधाशित पीति। अब यहाँ पे जैसे दुष्टि लक्षण जो है, स्रोतसों के दुष्टि लक्षण, वो हम अलग से नहीं बता रहे। जो रस प्रदोषज लक्षण है वही रस वह स्रोतों के दुष्टि लक्षण है, जो रक्त प्रदोषज विकार है वही रक्त वह स्रोतस के दुष्टि लक्षण है। वो कहाँ वर्णन किए हैं, वो विविध अशित पीति अध्याय में वर्णन किए, सूत्र स्थान का 28वां अध्याय, उसमें सभी धातुओं के प्रदोषज के लक्षण बताए। देखिए ये रस प्रदोषज विकार है, यही रस प्रदोषज विकार यही रस वह के स्रोतस के दुष्टि के लक्षण है, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे मेद वह का जो वर्णन है वो क्या कहते हैं, मेद संश्रय, ये मेद व प्रदोषज विकार कौन है, प्रमेह के पूर्व रूप है। अब प्रमेह के पूर्व रूप कहाँ वर्णन किए हैं, विधान स्थान में वर्णन किए। इसको कहते हैं मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, वहां से तीसरे स्थान में जाना, इसको कहते हैं तंत्र युक्ति, अतीतावेक्षण और अनागतावेक्षण। कभी भी चरक के एक सूत्र का अर्थ लगाते समय केवल उस सूत्र का विचार नहीं करना चाहिए, उस सूत्र से संबंधित चरक में जो अन्य सूत्र है उनका भी विचार करना पड़ता है, उसको तंत्र युक्ति लगाई पड़ती है, अतीतावेक्षण और अनागतावेक्षण। मतलब प्रमेह के पूर्व रूप जो वर्णन किए है वही मेद के मेद प्रदोषज विकार है, और वही मेदो वह स्रोतस के दुष्टि के लक्षण भी है, ये हमें समझना पड़ता है। अब आगे ये तंत्र युक्ति है, अतिदे अनागतावेक्षण और अतीतावेक्षण तंत्र युक्ति। अब आगे कहते हैं मूत्रवाहनाम स्रोतसाम, ये मूत्रवह के दो मूल स्थान है उनके लक्षण बताए। पुरुष वह के दो मूल स्थान उदाहरण मात्र के लिए बताए, अनुक्तों का हमें अध्ययन करना है, उनके लक्षण भी बताए। मतलब वर्णन कैसा किया है, मूलतः और प्रकोप विज्ञानतः, ये उसके स्रोतस के अध्ययन के मेथड क्या है, मूलतः और प्रकोप विज्ञानतः। आप किसी भी अनुक्त स्रोतस का अध्ययन करेंगे तो आपकी मेथड होनी चाहिए, एक तो मूलतः अध्ययन करना है और दूसरा प्रकोप विज्ञानतः। प्रकोप विज्ञान में उन्होंने पहले दुष्टि लक्षण सभी के बताए, यहाँ पे बस दुष्टि लक्षण सभी बताए। अब आगे कहते हैं श्रोतांसी स्थिराः धमन्याः रसायन्यः रसवाहिन्यः नाड्यः पन्थानः मार्गः शरीरछिद्राणि संवृता संवृतानि स्थानानि आशयः निकेतः च इति शरीरधात्वाकाशानां लक्षालक्षणां नामानि भवन्ति। मतलब शरीर में इस चरक संहिता में जहां जहां पे स्रोतस शब्द, स्थिरा शब्द, धमनी शब्द, रसायनी शब्द, रसवाहिनी शब्द, नाड़ी,
पंथ मार्ग शरीर छिद्र समृता समृद्ध स्थान आशय और निकेत जहां जहां पे आएंगे वहां वहां पे आपको स्रोतस अर्थ लेना पड़ेगा। अब आप देखिए मैं आपको एक संदर्भ बताता हूँ शरीर छिद्र का कहाँ पे वर्णन आया है। तो प्रमेह निदान में प्रमेह की जो संप्रप्ति वर्णन की है उसमें वो कहते हैं यहाँ पे शब्द है देखिए छिद्र जैसा शब्द और एक है मुख ये देखिए क्या कहते हैं मेदक क्लेदो उपहितानी गुरुणी मुखानी असाध्य। मुख मतलब क्या मुख की टीका रक्त पित्त में है। मुख मतलब मार्ग मुख मतलब माउथ नहीं मुख मतलब उसका मार्ग ये अभिप्रेत है। रक्त वह में उसका वर्णन किया है रक्त पित्त की संप्राप्ति और प्रमेय की संप्राप्ति शब्दशः बहुत एक दूसरे से मिलती जुलती है। देखिए मुख का अर्थ क्या है देखिए यहाँ पे है क्या या दूसरे टीका में होगा नहीं ठीक है ये बहुत एक बहुत गंगाधर का व्याख्या होगी मैं बाद में शेयर करूंगा आपसे। तो ये जहां जहां पे ये शब्द आते हैं विमान स्थान में शरीर संपूर्ण शरीर में चरक संहिता में कि छिद्र रसायनी धमनी सिरा ये सभी स्रोतस के ही पर्याय उनके ही नाम है। आगे कहते हैं तेषां प्रकोपात स्थानस्थः च एव मार्गगः च शरीर धातवः प्रकोपम आपद्यन्ते। अब इस सूत्र का थोड़ा सा अन्वय लगाना पड़ता है यहाँ पे स्थान शब्द का अर्थ क्या लेना है। स्थान का अर्थ यहाँ पे चक्रपाणि ने आशयस्थ लिखा है आशय मतलब स्रोतस और स्थान का योगिंद्रनाथ सेन ने जो अर्थ लिखा है कि जो वृद्धि और क्षय को प्राप्त नहीं है। स्थान का तीसरा एक अर्थ है स्थान का एक और अर्थ है जो है प्राकृतावस्था क्योंकि यहाँ पे दो चकार है हमेशा च से तंत्रयुक्ति लगाई पड़ती है वाक्य शेष। मैं कहूंगा कि मेरे सामने अभी कुछ पुरुष वैद्य बैठे हैं इसका अर्थ क्या है कुछ स्त्री वैद्य भी बैठी है। मैं कहूंगा कि जो मेरे सामने अभी बैठे हैं उनमें से कुछ लोगों को चश्मा है इसका वाक्य शेष क्या है बाकी के लोगों को चश्मा नहीं है। तो ये यही पे वो चकार से लिखा जाता है तो वो ये वाक्य कैसा होगा तेषां प्रकोपात स्थानस्थः च अस्थानस्थः च मार्गगः च अमार्गगः च शरीर धातवः प्रकोपम आपद्यते। अगर स्थानस्थ और मार्ग ऐसा कहते तो एक ही चकार आता ना स्थानस्थः मार्गगः च किंतु स्थानस्थ को भी चकार लगाया है और मार्गों को भी चकार लगाया है तो स्थानस्थः अस्थानस्थः मार्गगः अमार्गगः। तो स्थान का क्या अर्थ है स्थान का अर्थ सूत्र स्थान के 17वें अध्याय में कियंत शीर्षी अध्याय में सूत्र नंबर 112 नंबर का सूत्र में ये स्थान ये दोषों की गति है क्षयः स्थानम् वृद्धिश्च दोषाणाम त्रिविधा गति। और यहाँ पे स्थान की टीका चक्रपाणि लिखी है स्थानम इति स्वमान अवस्थानम् अपने प्राकृत अवस्था में रहना इसको ही स्थान कहा जाता है। स्थान का एक और अर्थ है स्थान मतलब जगह ये तो अर्थ हमें पता है स्थान का एक और अर्थ है कि अपनी प्राकृत अवस्था में रहना और प्राकृत अवस्था में रहकर जब शरीर में गति करता है तो उसको स्थान गति कहा जाता है। चलो चरक में एक जगह चक्रपाणी गलत हो सकते हैं क्योंकि चक्रपाणी की 108 गलतियां ऐसी किताब भी बात मिलती है तो चक्रपाणी की गलती शायद चलो हो चुकी है। दल्लन क्या कहते हैं वो देखते हैं यहाँ पे स्थान शब्द है और स्थान की अर्थ लिखा है स्थानम इति क्या टीका है स्थानम इति दोष धातु मल साम्यन अवस्थानम मतलब अपने दोष धातु मल अपने अपने साम्यावस्था में स्थित रहकर शरीर में गति करना इसको स्थान गति ऐसा दल्लण ने भी टीका लिखी है। इसका अर्थ चक्रपाणि और दल्लण ये एक समान टीका कर रहे हैं। तो स्थानस्थः और अस्थानस्थः इसको चकार लगा है तो स्थानस्थ मतलब प्राकृत अस्थानस्थ मतलब जो वृद्धि या क्षय को प्राप्त है मार्गग मतलब अपने मार्ग में जाने वाले और अमार्गग मतलब विमार्गग बन गए हुए जिसने अपना मार्ग बदला है या जो अवरुद्ध है
ऐसे सभी धातु, शरीर के धातु मतलब शरीर के सभी भाव घटक, ये स्रोतसों के विकृति के कारण प्रकोपित होते हैं। और इतरेशम प्रकोपितराणि, और जब शरीर के धातु घटक विकृत होते हैं तो उनका स्रोतस भी विकृत होता है। अब इसका अर्थ क्या है? स्रोतस अगर दुष्ट हो गया तो स्रोतस का शारीर भाव भी दुष्ट होता है, और अगर शारीर भाव दुष्ट हो गया तो उसका स्रोतस भी दुष्ट होता है। अब आगे का सूत्र और महत्व का है। श्रोतांसी श्रोतांसी एव धातवहा धातुनेव प्रदुषयंती प्रदुष्टाहा। इसका अन्वय ऐसा है, प्रदुष्टाहा श्रोतसाहा श्रोतांसी एव प्रदुषयंती। एक दुष्ट हुआ श्रोतस अन्य बाकी के श्रोतसों को दुष्ट हो करता है। प्रदुष्टाहा धातवहा धातुनेव प्रदुषयंती। एक धातु दुष्ट हो गया तो बाकी के धातुओं को दुष्ट करता है। यही आवरण की कल्पना है। आवरण की मूल कल्पना श्रुतो विमान अध्याय में वर्णन की है। यही आवरण की कल्पना है कि शरीर का एक धातु घटक विकृत हो गया, एक घटक विकृत हो गया तो वो दूसरे घटकों को दुष्ट करता रहता है। यही आवरण की कल्पना है। और तेषां सर्वेषामेव वात पित्त श्लेष्मणः प्रदुष्टा दूषयितारो भवति। इन सभी श्रोतस और धातुओं को कौन दुष्ट करते हैं? दोष दुष्ट करते हैं, क्योंकि दोषा एव ही सर्वेषां रोगाणां एक कारणम। दोष ही सभी व्याधियों का, सभी की दुष्टियों का एकमात्र कारण है। डायरेक्ट धातु कभी दुष्ट नहीं होंगे, डायरेक्ट दोष स्रोतस कभी दुष्ट नहीं होंगे। पहले हेतुओं के कारण दोष ही विकृत होते हैं, उनके बाद बाकी के सभी लोग विकृत होते हैं। इसके बाद सूत्र नंबर 10 से लेकर 22 तक दुष्टि के हेतु बताए। अब एक सिद्धांत थीसिस कैसे हो सकता है कि समझो रसव की विकृति के हेतु है, तो यहाँ पे गुरु शीतम अति स्निग्धम अति मातरम समष्टताम रसवाहिनी दुष्यन्ति चिंतनाम चाति चिंतनाम, ये हेतु लिख के रखो और रस प्रदोष विकार निकालो। तो रस प्रदोष विकार यही रसव श्रोतस की दुष्टि हेतु दुष्टि लक्षण है। तो रस प्रदोष विकार में इन कौन कौन से हेतु से कौन सा विकार होगा इसका भी अध्ययन कर सकते। जैसे पालित्य, ये रस प्रदोष विकार में वर्णन किया। तो मैंने अभी एक मेरे एमडी को छात्र को विषय दिया है कि पालित्य के जो जो रुग्ण हमें मिलते हैं उनमें रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी ऐसा करना है कि अतिशीत हेतु वो सेवन करते हैं या नहीं। क्योंकि पालित्य जब सामने आता है हमारे दिमाग में तो केवल ज्यादा लवण खाना, ज्यादा मात्रा में क्षार खाना, आतप सेवन करना, चिंतन करना, यही आता है। पर अतिशीत से, अति गुरु से, अति स्निग्ध से भी पालित्य हो सकता है, ये हम भूल जाते हैं। क्योंकि ये हमें लॉजिक पता नहीं है कि ये रसव वह दुष्टि के हेतु है और रसव दुष्टि के लक्षण ये रस प्रदोष विकार ही है। तो रस प्रदोष विकार जो 28वां अध्याय में है अश्रद्धा, एक बताता हूं मैं, बाकी के हम देखेंगे। देखिए गुरु अति शीत अति स्निग्ध, इनका अति मात्रा में सेवन करना और अति चिंतन करना, ये रस प्रदोष रस वह दुष्टि के लक्षण है। अब हेतु है सॉरी, अब रस वह दुष्टि के लक्षण क्या है? तो वो है रस प्रदोष विकार, वो है 28वां अध्याय, उसमें देखिए अब अश्रद्धा अरुचि आस्य वैरस्य अरसज्ञता रुल्लास गौरव तंद्रा अंगमर्द ज्वर तम पांडुत्व स्रोतोरोध क्लैप्य साद कृशांगता अग्निनाश और अयथाकाल बली और पलित, ये सभी रस प्रदोष विकार है। इनके हेतु क्या है? रस दुष्टि के हेतु क्या है? वो विमान स्थान के इस सूत्र में वर्णन किए, उनको टैली करके एक एक का थीसिस करना पड़ता है। तो ऐसे सभी का आपको अध्ययन करना है। देखिए कितना मटेरियल है हमें थीसिस करने के लिए संहिता डिपार्टमेंट में केवल स्रोतस को लेके। अब आगे कहते हैं आहारस्य विहारस्य यहां स्या दोष गुण ही समाह धातु भीर्विगुणश्चापि स्रोतसांस प्रदूषकः। जो आहार और जो विहार दोषों के समान गुण का है वो स्रोतस को दुष्ट करेगा, क्योंकि वो पहले दोषों को दुष्ट करेगा और फिर स्रोतस दुष्ट होंगे। और यहाँ पे एक शब्द महत्व का है, धातु विगुण की टीका देखिए। धातु भी विगुण इति न तु धातु विपरीत गुणा न विगुण, या धातु के विपरीत गुण का ऐसा अर्थ नहीं है किंतु धातु विरोधक स्वभाव, जो धातु को विरुद्ध है, विरुद्ध की कल्पना आई है कि जो दुष्ट करता है। जो जो आहार विहार
धातुओं को दुष्ट करता है वो भी श्रोत दुष्टिक है। एक उदाहरण दिया है, दिवा स्वप्न मेद्यादयो ही मेदसा समान गुणा एव मेदो दूषका उक्ता। मतलब दिवा स्वप्न ये विहार और मेद्य आहार ये मेद के समान गुण के होते हुए भी मेद को दुष्ट करता है, यही विरुद्ध है। विरुद्ध मतलब ऑपोजिट नहीं, विरुद्ध मतलब दुष्टि करने वाला। ये सभी श्रोतस का प्रदूषित का ये सामान्य श्रोत दुष्टि के हेतु है। अब यह भी सूत्र महत्व का है, इसका भी गलत अर्थ निकाला जाता है। अति प्रवृत्ति संगो वा तीराणाम ग्रंथयोपि वा विमार्ग गमनम चापि श्रोतसाम दुष्टि लक्षणम। अब इसका अन्वय कैसे लगाना है, अति प्रवृत्ति च विमार्ग गमनम वा संग च विमार्ग गमनम वा तीरा ग्रंथी च विमार्ग गमनम एते श्रोतसाम दुष्टि लक्षणम। यहाँ पे तीन ही लक्षण है, चार नहीं है। अति प्रवृत्ति से विमार्ग गमन, संग से विमार्ग गमन और सिरा ग्रंथि से विमार्ग गमन, ये श्रोत दुष्टि के लक्षण है। विमार्ग गमन मतलब क्या, जिसने अपना मार्ग छोड़ा है, एक तो वो उल्टा जाएगा या वहीं पे घूमता रहेगा या दूसरे मार्ग से जाएगा। समझो मेरा, मैं यहाँ पे रहता हूं और सामने मेरा क्लिनिक है, बीच में रास्ता है, बीच में दो एक बड़ी लेन है, मैं कैसे जाऊंगा, एक तो पैदल जाऊंगा सीधे रास्ते से, अगर ट्रैफिक होगी तो थोड़ा सा घूम के राइट साइड से जाऊंगा या लेफ्ट साइड से जाऊंगा, अगर पूरा रास्ता जाम है तो मैं उड़ के जाऊंगा अगर पॉसिबल है तो, और अगर कुछ भी मेरे पॉसिबल नहीं है तो मैं मेरे घर में बैठ के बैठा रहूंगा, मेरे क्लिनिक तक नहीं जाऊंगा। इन सभी को विमार्ग गमन कहते हैं। विमार्ग गमन को उदीरण भी कहते हैं, तिर्यक गमन भी कहते हैं और विश्वकवर्जन भी कहते हैं। देखिए सूत्र दिखाता हूं, चिकित्सा स्थान श्वास ही का चिकित्सा है, इसका सूत्र है देखिए, सूत्र आपके सामने है 45। यदा श्रोताओंसि संवृद्ध्य मारुतः कफ पूर्वकाः विश्व व्रजति संवृद्धः तदा श्वासान करोति सः। क्या शब्द है विश्वक व्रजन, इसकी टीका देखिए, शब्द सबसे आखिरी लाइन, विश्वक व्रजन इति सर्वतः गच्छति, जहां पे जगह मिलती है वहां जाता है। अब इसी अध्याय में सूत्र नंबर 122 क्या है, देखिए सूत्र 122 देखिए। उदीर्यते वृषतरम मार्गरोधात वह जलम यथा तथा अनिलाह तस्य मार्गम नित्यम विशोधये। क्या है, जैसे वह जलम मार्गरोधात वृषतरम उदीर्यते, बहने वाला जल अगर बीच में कुछ मार्गावरोध आ गया, डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो जहां पे जगह पीछे मिलती है वहां पे फैल जाता है, जैसे ऐसे पानी के लिए होता है। यथा तथा अनिलाह अपि, ऐसा जो अनिल का गति है उसमें अगर मार्गावरोध हो गया तो उसका विमार्गमन होता है, इसलिए वायु के मार्ग का नित्य शोधन करना पड़ता है, उसका नित्य अनुलोमन करना पड़ता है। यही उदीरण, यही विमार्गमन है, यही विश्वकवर्जन है। अब यहां पे देखिए चक्रपाणी ने टीका लिखी है, विमार्ग गमनम च यथा मलस्य मूत्र मार्ग गमनम। जो चक्रपाणी पर आक्षेप लिए जाते हैं कि चक्रपाणी ये वैद्य नहीं थे, बहुत गलत टीका लिखी है, उसमें ये भी टीका वहां पे उस किताब में वर्णन की कि ऐसे कैसा ऐसा मल कभी मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है क्या, कुछ भी वर्णन किया है कि एक शरीर भाव, इनको क्या कहना है कि एक शरीर भाव दूसरे शरीर भाव के मार्ग से बाहर निकल सकता है। चक्रपाणी जब ऐसा असाध्य घटक बताते हैं कि मल भी मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है तो उसको विमार्गमन, ये विमार्गमन के एक अर्थ है, विमार्गमन के 17 अर्थ हमारे ग्रंथ में मिलते हैं। अब ये टीका जब पढ़ेंगे तो लगता है कि कुछ भी लिखा है, ऐसा कैसे मल मूत्र मार्ग से निकलेगा, तो चरक में ही सिद्धि स्थान में जो 9वां अध्याय है उसमें जो मूत्र के विकार वर्णन किए हैं उसमें विड विघात नाम का एक मूत्र विकार है, विड विघात,
ये देखिए सूत्र 43 क्या है, मूत्र स्रोता प्रपद्येत विड संसृष्टम यदा नरः विड गंधम मूत्रेत पुरुषात विड विघातम विनिर्दिशे। क्या होता है कि कई हेतुओं के कारण मूत्र स्रोत से मल बाहर निकलने लगता है और तब मल की गंध के तरह मूत्र भी बाहर आता है, इसको कहते हैं विड विघात। ये रुग्ण चक्रपाणि ने देखे होंगे तभी वो वर्णन कर रहे हैं और ये अत्यंत असाध्य अवस्था है। अब मैंने जब ये पीएचडी का मेरा काम चल रहा था तब मैंने एलोपैथी का, मेरा छोटा भाई एलोपैथी डॉक्टर चेस फिजिशियन है, मैंने उसको पूछा कि क्या एलोपैथी में ऐसे कोई कंडीशन वर्णन की है कि जिसमें मल मार्ग फिकल मैटर ये यूरिनरी ट्रैक से बाहर निकलता है। तो वो बोला मुझे भी पता नहीं है, मैं देखता हूँ, मैं थोड़ा ढूंढता हूँ। फिर उसने जो ढूंढा उसमें से एक क्राइटेरिया मिली जिसको नाम है फीकल यूरिया। आप नाम लिख के रखिए, सर्च भी कर सकते हैं, फीकल यूरिया। ये कंडीशन है जिसमें फीकल मटेरियल मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है और ये अत्यंत असाध्य अवस्था है। इसके 8 कॉजेस वर्णन किए हैं मेडिसिन में डेविडसन में और उसमें से 4 ये पैथोलॉजिकल सॉरी सर्जिकल है, जैसे फीको यूरिकल फिस्टुला, वसाइको यूरेथ्रल फिस्टुला, वसाइको रेक्टल फिस्टुला, ऐसे कुछ फिस्टुला है और कुछ और 4 भाव डायवर्टिकुलम जैसे कुछ है और 4 हेतु ये पैथोलॉजिकल है, मतलब निजी है। और उनमें यूरिन एग्जाम्पल में, यूरिन सैंपल में मल का मतलब स्टर्कोबिलिन वगैरह मिलते हैं। मतलब चक्रपाणि को ये पता था, चक्रपाणि ने ऐसे रुग्ण देखे थे इसलिए ये टीका लिख रहे। इसका अर्थ चक्रपाणि ये अत्यंत उच्च कोटि के चिकित्सक थे, बिना देखे ये लिख नहीं सकते ऐसा बैठे बैठे। ये टीका ऐसे ही नहीं लिखी है, सब अनुभव करके लिखा है, इसलिए अध्याय बहुत महत्व का है। अब अंतिम इसका वर्णन, अंतिम सूत्र है, सोधातु समवर्णानि वृत्त स्थूलानि अणुनि च श्रोतांसि दीर्घाणि आकृत्या प्रतान सदृशानि। ये श्रोतसों की शारीरिक रचना वर्णन की है कि वो कैसा है, जिसका धातु का, जिस धातु का श्रोतस है उसी के वर्ण का है वो। कुछ श्रोतस वृत्त है, कुछ श्रोतस स्थूल हो सकते हैं, कुछ अत्यंत अणु सूक्ष्म हो सकते हैं, कुछ दीर्घ हो सकते हैं, कुछ प्रतान सदृश लता की तरह। लता कैसी होती है, एक लता की वेल होती है उसमें से दूसरी लता निकलती है, फिर उसमें से और 2 निकलती है, फिर उसमें से और 2, ऐसे जो वृक्ष की या लता अनेक विध प्रकार की लता होती है उस प्रकार से अनेक विध प्रकार के श्रोतस हो सकते हैं। अब चिकित्सा संक्षेप में बता रहे, प्राण उदक अन्न वाहनाम दुष्टानाम श्वासी की क्रिया कार्या तृष्णोपशमनी तथैव आम प्रदोषकी। मतलब प्राण वह हो गया, दुष्ट हो गया तो श्वास चिकित्सा कीजिए, उदक वह दुष्ट हो गया तो तृष्णा चिकित्सा कीजिए, अन्न वह दुष्ट हो गया तो आम प्रदोष की चिकित्सा कीजिए। विविधाशित पीतिये रसादिनाम यत यद औषधम रसादि सोदसाम कुर्यात् तद यथास्वम उपक्रमे। जो विधि शुण्य अध्याय में हमने रस प्रदोष विकारों के बाद हर एक धातु की चिकित्सा वर्णन की है, वो भी उस श्रोतस दुष्टि की चिकित्सा में उसको लेना है। मूत्र विट स्वेद वाहनाम चिकित्सा मूत्र कृच्छ की तथा अतिसारी की कार्या तथा ज्वर चिकित्सा की। मूत्र व दुष्ट हो गया तो मूत्र कृच्छ की चिकित्सा कीजिए, मल व दुष्ट हो गया तो अतिसार की चिकित्सा कीजिए और स्वेद व दुष्ट हो गया तो ज्वर चिकित्सा करनी चाहिए। इस प्रकार से त्रयोदशानाम मूलानि श्रोतसाम दुष्ट लक्षण 13 प्रकार, 13 जो उक्त हमने बताए कुछ उदाहरण मात्र के लिए, उनके मूल दुष्टि लक्षण, सामान्य नाम पर्याय, परस्पर कोपन एक दूसरे को कैसे दुष्ट करते हैं श्रोतस और धातु, दोष हेतु पृथक्त्वेन दोष इनको कैसे दुष्ट करते हैं, और भेषज पृथ संक्षेप में भेषज, ये हमने उद्देश्य से इसका वर्णन किया पहले अध्याय में। श्रोतो विमाने निर्दिष्टः तथा च आदो विनिश्चयः केवलं विदितं चास्य शरीरं सर्वभावता शारीरा सर्वरोगाश्च सकर्मसु न मुह्यति। जैसा हमने श्रोतस का वर्णन इस अध्याय में किया उसी प्रकार से बाकी के शारीर भावों का भी अध्ययन इसी सूक्ष्मता से करना पड़ेगा। ऐसा जो अध्ययन करेगा, जो शरीर के सभी भावों को, सर्व रोगों को जानता है, वो शारीर सभी शारीर शारीर रोगों में चिकित्सा करने में कभी भी मोहग्रस्त नहीं होता। इसका अर्थ चिकित्सा विमान स्थान के अध्याय भी चिकित्सा की दृष्टि से ही लिखे गए हैं। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते विमान स्थाने
स्रोतो विमानम नाम पंचमा अध्याय। अग्निवेश निर्माण किया हुआ तंत्र में जिसका प्रति संस्करण चालक ने किया उसके विमान स्थान में वर्णन स्रोतो विमान नाम का यह पंचम अध्याय यहाँ पे पूरा हुआ। तो इस प्रकार से स्रोतो विमान का एक अध्याय का अध्ययन कैसे करना है इसका एक उदाहरण रखने का मैंने प्रयास किया। और एक अध्याय का अध्ययन करते समय कभी भी सिर्फ उसी अध्याय का अध्ययन नहीं करना चाहिए। उसके लिए अगर विमान का अध्ययन कर रहे तो सूत्र स्थान, शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, सिद्धि स्थान, कल्प स्थान, ऐसे सभी स्थानों में से संदर्भ, ये एक दूसरे से जो निगड़ित है ऐसे सभी संदर्भों को देखना पड़ता है। कभी भी चरक संहिता कभी एकांतिक दृष्टि से नहीं पढ़नी चाहिए। पूरी चरक पहले पढ़कर कहां पे क्या वर्णन किया है ये पता कर फिर बाद में एक दूसरे का उनमें लॉजिक क्या है, लिंक क्या है, ये समझना पड़ता है। इसको ही कहते हैं चरक का अध्ययन। अगर चरक जयंती के निमित्त से आप चरक का अध्ययन करने जा रहे हो तो इस पर ये बहुत विश्वास, कृपया बोलिए मत तो वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। मुझे यहाँ पे मुझे कुछ वक्तव्य रखने का प्रयास यहाँ करने का मौका दिया गया, इसलिए मैं आयोजकों का, महाविद्यालय के प्राचार्य, सभी उनके गणमान्य जो अधिकारी है वो, और संहिता डिपार्टमेंट के सभी शिक्षक, इनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। ब्रह्म दक्षाश्वी देवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताश्रवेश चरक प्रभृति नमो नमः। धन्यवाद।